नमस्कार वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में विविध स्थलों पर हुआ होली दहन, धूलिवंदन का काउंटडाउन हुआ शुरू। हुड़दंगबाज रहे सावधान, पुलिस आयुक्त रहेंगे ऑन रोड। धूलिवंदन पर शहर के चौराहे पर रहेगा पुलिस का पुख्ता इंतजाम। संभाग में 1,00,000 छात्रों ने दिए 10वीं के इम्तिहान। 25,00,000 की धोखाधड़ी मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रहलाद सुंदरकर फरार। फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है सरगर्मी से आरोपी की तलाश। और वीसीएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए गुरुकुंज मोजरी के हनुमान नगर का आधा सच, नागरिक गुजार रहे बेबसी की जिंदगी। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खामगांव अकोला महामार्ग पर होटल सुदर्शन में काम करने वाले वेटर को जिंदा जलाने का प्रयास करने की वारदात 15 दिन पहले हुई। वेटर को राफ्टर से पीटा गया और उसे जमीन पर लिटाकर उसके पीठ पर कचरा जलाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं तो यह मामला दबाने के लिए गंभीर रूप से झुलसे इस वेटर को मस्तान चौक के एक निजी डॉक्टर से उपचार कराने का प्रयास भी किया गया। उस वेटर की तबीयत गंभीर हो जाने से होटल मालिक के फंटर ने उस वेटर को स्थानीय सामान्य अस्पताल में 25 फरवरी की दोपहर 2 बजे दाखिल कराया। 15 दिनों से जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे उस वेटर के परिजनों को घटना की जानकारी होटल मालिक से ही मिली थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उस वेटर को भर्ती करने के बाद पुलिस को बुधवार 28 फरवरी की सुबह 10 बजे तक जानकारी न देने की बात सामने आई है। यह मामला दबाने के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों पर भी होटल मालिक की तरह कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक किशोर नथानी, उम्र 50, तालाब रोड सिंधी कॉलोनी, यह बीते कई वर्षों से ठाकुर के होटल सुदर्शन पर वेटर का काम करता है। 15 दिन पहले होटल मालिक ने किशोर को राफ्टर से पीटा। इतना ही नहीं तो जमीन पर पड़े किशोर के पीठ पर कचरा जलाकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। उसके बाद एक निजी डॉक्टर ने अनन फनन में उपचार करवाया मगर उसकी तबीयत बिगड़ने से 25 फरवरी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोर नथानी के परिजनों को जानकारी मिलते ही उन्होंने खामगांव ग्रामीण पुलिस के थानेदार शेख व वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश काकड़े की भेंट लेकर जानकारी दी। होटल सुदर्शन में काम करने वाले गरीब वेटर किशोर नथानी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सरकारी अस्पताल द्वारा 4 दिन के बाद पुलिस को सूचित किया गया। थानेदार शेख ने बुधवार की सुबह 10 बजे अस्पताल का मेमो मिलते ही पुलिस कर्मी राउत को भेजकर किशोर नथानी का बयान दर्ज कराया। बयान की कॉपी पर नथानी पर उपचार कर रहे डॉक्टर गोपाल कलंत्री की सहमति ली गई। सरकारी अस्पताल में झुलसने से भर्ती वेटर किशोर को 25 फरवरी की दोपहर 2 बजे अज्ञात व्यक्ति ने लाकर छोड़ा था। यह मामला गंभीर रहने के बावजूद अस्पताल के डॉक्टर गोपाल कलंत्री ने पुलिस को सूचना देने की जहमत तक नहीं उठाई। जब वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश टापरे से नथानी के परिजनों ने संपर्क किया तब बुधवार की सुबह 10:30 बजे अर्थात 4 दिन बाद पुलिस को सूचित किया गया। इस संदर्भ में किशोर नथानी को बकाया 15 साल का वेतन दे तथा जिम्मेदार होटल संचालक पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग सिंधी समाज और सिंधु सेना द्वारा की गई है। अगर उपरोक्त मांग पूरी नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन करने का इशारा भी इस दौरान सिंधी समाज तथा सिंधु सेना द्वारा किया गया है। रोज 5-6 दिन थे, रात को 2-3 बजे के बाद में रोज मारता है। पीछे से, पीछे से क्या हुआ? पीछे से उसने लकड़ी से ट्रैक्टर से मारा ना। स्टैंडिंग वारंट मामले में पिछले 23 वर्षों से फरार आरोपी महाजनपुरा निवासी जितेंद्र श्यामराव सावरकर को सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बीते 23 वर्षों पूर्व लूटपाट के मामले में गिरफ्तार होने के बाद से जितेंद्र सावरकर पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में अनुपस्थित रह रहा था। यह जानकारी
थानेदार को प्राप्त होते ही आज दोपहर सिटी कोतवाली की टीम ने जितेंद्र सावरकर को महाजनपुरा से अपने कब्जे में लिया है। थानेदार दिलीप पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव प्रहलाद सुंदरकर के खिलाफ मंगलवार को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में नौकरी के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का अपराध दर्ज किया गया था। ठगी का अपराध दर्ज होते ही प्रहलाद सुंदरकर शहर से फरार हो गया है। फ्रेजरपुरा के थानेदार आसाराम चोरमले ने बताया कि सुंदरकर की तलाश जारी है, लेकिन वह अभी फरार बताया जा रहा है। मंगलवार को रमेश खोरगड़े उम्र 60 साईनगर ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी प्रहलाद सुंदरकर ने वर्ष 2013 में उनके बेटे विनय खोरगड़े को जेट एयरवेज कंपनी में पायलट की नौकरी लगाने के लिए 25 लाख रुपए लेकर उनसे धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने सुंदरकर के खिलाफ दफा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। होली के रंग पंचमी के दौरान जहां शहर में हुड़दंग बाजों का जोर रहेगा, तो वहीं किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना और मोटरसाइकिल पर हुड़दंग मचाने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस आयुक्त स्वयं ऑन रोड इन हुड़दंग बाजों पर शिकंजा कसेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मातहत सभी अधिकारियों को रंग पंचमी की सुबह से ही तैनात रहने के आदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में स्वयं पुलिस आयुक्त ने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में होली की रंग पंचमी के दिन हुई आपराधिक वारदातों के मद्देनज़र शहर में इस बार होली पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अमूमन होली की रंग पंचमी को शराब के नशे में मामूली विवाद पर भी बड़ी घटनाएं सामने आई है। ऐसे में किसी भी परिवार के सदस्य पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस आयुक्त ने गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। मात्र किसी गंभीर परिस्थिति पर ही संबंधित पुलिस कर्मचारी को छुट्टी दी जाएंगी। शहर में रंग पंचमी के हुड़दंगबाजों पर नकेल कसने के लिए 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएंगी। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के अनुसार वैसे तो शहर के फ्रेजरपुरा, गार्गेनगर और राजापेट इलाके में संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र का माता खिड़की और महाजनपुरा शहर का सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र बताया गया है। पिछले 2 रंग पंचमी के दौरान इस क्षेत्र में हुई 2 हत्याओं से यह क्षेत्र संवेदनशील गिनती में आया है, जिसके चलते इस क्षेत्र में पुलिस की पैनी निगाहें रहेंगी। होली की रंग पंचमी के दौरान सभी 10 थाना क्षेत्र में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहेगा, लेकिन शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने वाले झोपड़पट्टी में रंग पंचमी के दौरान सुबह से ही 1 पुलिस अधिकारी, 5 कर्मचारी तथा 1 महिला पुलिसकर्मी हाथों में राइफल लिए पैदल पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे यहां किसी भी प्रकार की विवादास्पद घटना पर पुलिस का प्रभाव रहेगा। पुलिस आयुक्त के अनुसार शहर के 14 मस्जिदों के आसपास बैरिकेड्स तथा पुलिस टीम की तैनाती की जाएंगी, क्योंकि होली के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा रंगों या रंगों से भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंके जाने से धार्मिक स्थल को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए 17 मस्जिदों की सुरक्षा के लिए 65 पुलिस कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। तो वहीं होली के हुड़दंग के दौरान होने वाली घटनाओं पर पहले से ही नियंत्रण रखने के लिए 15 स्थानों पर नाकाबंदी लगाई गई है, जिसमें 85 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। वहीं शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 14 फिक्स पॉइंट भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 40 महिला कर्मचारी व 10 महिला पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है। साथ ही किसी अप्रिय घटना की संभावना ना हो, इस पर नकेल कसने के लिए SRPF की एक कंपनी भी बुलाई गई है, जिसमें 100 कर्मचारी है। रास्तों पर होली खेलने के साथ हुड़दंगबाजी करने वालों पर डंडे भी बरसाए जा सकते हैं। दुपहिया चोरी के मामले में एक आरोपी को फ्रेजरपुरा पुलिस ने बुधवार को प्रोड्यूस वारंट पर अपने कब्जे में लिया, जिसका नाम शुभम गजानन मुरुमकर बताया गया है, जो कारंजा लाड शहर का निवासी है। इस आरोपी ने अमरावती से 3 दुपहिया चुराए जाने की कबूली दी है।
वासिम पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 मोटरसाइकिलें जब्त की थी। यह जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस को प्राप्त होते ही आरोपी शुभम को वासिम जेल से प्रोड्यूस वारंट पर अपने कब्जे में लिया गया और जिसके बाद की गई पूछताछ में शुभम ने अमरावती शहर से 3 मोटरसाइकिल चुराने की कबूली दी है। जिले के लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत चलने वाले वर्ली मटका केंद्र पर छापामार कार्रवाई करते हुए जहां 3 जुआरियों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं इन जुआरियों के पास से नकद सहित 1 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल ऐसा कुल 58,330 रुपए का माल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनोद विठल चक्रे, मुन्ना बबन यादव तथा भास्कर उदय भान भालेकर बताया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा की टीम लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान टीम को जानकारी मिली कि लोनी स्थित एक स्थान पर वर्ली मठ का केंद्र संचालित किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर मारे गए छापे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से उपरोक्त माल जब्त किया गया है। हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों को लोनी पुलिस को सौंपा गया है। आदिवासी विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा सके, इसके लिए शहर के नामांकित शालाओं में प्रवेश अभिनव योजना प्रारंभ की गई, परंतु इस योजना में आदिवासी विभाग के कुछ अधिकारियों ने लक्ष्मी का मार्ग स्वीकारते हुए अनामांकित स्कूलों का चयन किया। यह बात सरकार के ध्यान में आई है, जिसके चलते अब नामांकित स्कूलों का चुनाव IAS अधिकारी करेंगे, ऐसा पत्र ट्राइबल आयुक्त ने जारी किया है। वर्ष 2010 से आदिवासी विद्यार्थियों को नामांकित स्कूलों में प्रवेश इस योजना का मुहूर्त प्रारंभ किया गया। विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर चलने वाली नामांकित स्कूलों का चुनाव करने की जवाबदारी अपर आयुक्त कार्यालय स्तर पर सौंपी गई थी, परंतु नामांकित शालाओं का चुनाव करने के दौरान बड़े पैमाने पर फिक्सिंग होने की बात आदिवासी विकास विभाग आयुक्त के ध्यान में आई, जिसके चलते वर्ष 2018-19 इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 से 10 तक आदिवासी विद्यार्थियों को नामांकित स्कूलों में प्रवेश देने के लिए ट्राइबल में कार्यरत IAS अधिकारियों को स्कूल चुनाव के अधिकार सौंपे गए हैं। नासिक स्थित आदिवासी विकास विभाग आयुक्त ने इस संदर्भ में ठाणे, नासिक, अमरावती व नागपुर स्थित अपर आयुक्त को पत्र भेजा है। अमरावती शहर के उड़ान पुल की सुंदरता को खराब करने वाले 3 विज्ञापन दाताओं पर अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त हेमंत पवार के आदेश पर फौजदारी कार्रवाई की गई है, जिसमें अमरावती शहर के कुल 183 गैर कानूनी फलक हटाए गए हैं। यह कार्रवाई मनपा के बाजार परवाना विभाग द्वारा की गई। मुंबई न्यायालय के खंडपीठ ने दिए आदेश के बाद और मनपा आयुक्त हेमंत पवार इनके निर्देश के अनुसार अमरावती मनपा क्षेत्र की उड़ान पुल तथा जयस्तंभ चौक में उड़ान पुल के पिलर पर लगाए कागज के पोस्टर लगाने वाले विज्ञापन दाताओं पर कार्रवाई की गई। शहर में सनसनी मचा देने वाले नवेद इकबाल हत्याकांड के आरोपियों की जमानत पर बीते बुधवार को जिला व सत्र न्यायालय में फैसले के लिए नवेद हत्या के आरोपियों को कोर्ट में लाया गया था। इस मामले के गवाह, मृतक के दोनों भाई तथा उनकी मां सरकारी वकील से मिलने जाने के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अयूब खान तथा उसके 6 से 7 साथियों ने नवेद के भाइयों को गवाही ना देने और गवाही देने पर उनका भी हश्र नवेद के जैसे होने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की करने का आरोप मृतक नवेद के दोनों भाइयों तथा उसकी मां ने लगाते हुए गाड़गे नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से नवेद की हत्या के आरोपियों की जमानत रद्द करने को लेकर कोर्ट को प्रस्ताव भेजे जाने के साथ ही उपरोक्त आरोपियों पर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएंगी, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने दी है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त ने बताया है कि यदि नवेद के हत्यारों को जमानत मिलती है तो ऐसे में उस क्षेत्र का वातावरण तनावपूर्ण स्थिति से गुजर सकता है, जिसके चलते अगली बार कोर्ट में पेशी के दौरान तगड़ा पुलिस बंदोबस्त भी रखा जाएगा।
अमरावती विभागीय बोर्ड द्वारा गुरुवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी छात्र छात्राएं अपनी मातृभाषा का पहला पेपर 1 मार्च को अपने परीक्षा केंद्रों पर देने पहुंचे। परीक्षा का पहला दिन होने से अधिकांश छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों को परीक्षा केंद्र पर साथ लाया, जहां परीक्षा केंद्र में इन परीक्षार्थियों के रोल नंबर बोर्ड पर लगाए गए थे। यहां आने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपने रोल नंबर देखने की उत्सुकता थी, तो दूसरी ओर उनके अभिभावक भी अपने बच्चों के रोल नंबर तलाशने में देखे गए। इस वर्ष से जारी हुए आदेश के अनुसार मात्र परीक्षार्थी ही कक्षा तक जाने का आदेश है, जिसके चलते उनके अभिभावकों को स्कूल के मुख्य द्वार पर से ही लौटाया गया। गुरुवार से प्रारंभ हुई SSC की परीक्षा आगामी 24 मार्च तक जारी रहेंगी। अमरावती विभाग बोर्ड के तहत 699 परीक्षा केंद्रों पर 1,83,697 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। गुरुकुंज मोजरी का नाम आते ही हमें संतों का आभास होने लगता है। अमरावती जिले के ग्राम गुरुकुंज मोजरी, जो कि तिवसा तालुका में आता है, यहाँ संत टुकड़ोजी महाराज की समाधि स्थल है। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने अपना पूरा जीवन गुरुकुंज मोजरी में ही व्यतीत किया है। गरीबों की मदद तथा उन्हें अपनी वाणी में इंसानियत का पाठ पढ़ाया, मगर आज इस संत नगरी में मानो ग्रहण सा लग गया हो। आज हम बताएंगे आपको नीलेश ठाकरे की कलम से गुरुकुंज मोजरी के हनुमान नगर वासियों की बेबस जिंदगी का आधा सच। गुरुकुंज मोजरी के हनुमान नगर में 208 परिवारों की बस्ती है, मगर ये परिवार पिछले लंबे अरसे से बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब यहाँ के नागरिकों ने VCN न्यूज चैनल से मदद की गुहार लगाई, तब VCN न्यूज की संवाददाता पुष्पा जैन ने इन बेबस नागरिकों की बस्ती का जायजा लिया तो सच सामने आया। या नाल्याच्या विषयी गटारचं पाणी साऱ्या गावाचं गटारचं पाणी येते मॅडम। मी बरेचसे वेळा प्रोसिडिंगवर घेऊन या नाल्याची पैशाची मंजुरात करून हे सुद्धा काम आजपर्यंत केलं नाही। त्या नदी याचं पाणी पूर्ण या नाल्याचं जे शेजाऱ्या लोकांच्या घरात घुसते, याचा काही विल्हेवाट नाही आहे। मी स्वतः या नाल्याच्या बाबतीत कमीत कमी 10-20 वेळा निवेदन देऊन चुकलो, त्यांनी पोसिडेंट लिहून घेतलं। लोकांचे भांडे गिंडे तरंगतात बासाच्या पाण्याने, त्याच्यामुळे एवढा त्रास आहे। पूर्ण गावातलं पाणी येतं, पूर्ण जमा होतं त्या तलावापासून तर इकडे मंजुळा मातीपासून पूर्ण पाणी येतपर्यंत येतं, आणि गरीब लोकांची घरं इकडे सगळे पाण्यात डुबतात। गुरुकुंज मोजरी के हनुमान नगर के 208 परिवारों को उनकी जगह के पट्टे देने के आदेश रहने के बावजूद पालक मंत्री प्रवीण पोटे के आदेश को भी कचरे का टोकरा दिखाया गया है, और यहाँ के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं तथा उन्हें घरकुल का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ तो हद ही हो गई जनाब, इस बस्ती के विकास कार्य का निधि भी दूसरे जगह खर्च किया गया है। अब इसे क्या कहें, दाल में कुछ काला है या फिर
पूरी दाल काली है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र है, कौन कौन है इस तराजू में बैठे, ये बड़ा सवाल है। जब हमारी संवाददाता पुष्पा जैन ने यहाँ के नागरिकों से बात की तो देखिए ये बेचारे नागरिक क्या कह रहे हैं। मी हरिभाऊ शेषराव जी काकडे गुरुदेव नगर इथे राहतो। आम्ही गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून या अतिक्रमाच्या बाबतीत आणि या घरकुल मेहनतीच्या बाबतीत असे 5-10 लोक कमिटी ठरवून आमच्या मागे एकूण 207 लोकांची समजा सर्व लोक नमूद झालेले आहे बेघर आणि घरकुलसाठी। आणि जागा ज्या आहे इथे 207 लोक आपले अतिक्रमण करून पूर्ण या इगलाजच्या जागेवर राहतात। ते नेमाकुल करण्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्यापर्यंत गेलो, आमदारापर्यंत गेलो, परंतु सगळ्या लोकांनी आम्हाला निवेदन पत्र दिले, हो करतो असं करतो तसं करतो। आमच्या 207 लोकांपैकी काही लोकांनी आमरण उपोषणसुद्धा मांडवलं। उपोषण मांडून त्यांनी सगळ्याच्या हातावर गुळ देऊन उपोषण आमच्यावर हटून टाकलं आणि आमचा या गरीब लोकांचा यांनी तमाशा केला। तर अतिक्रमण हटवून आम्हाला त्यांनी मार्चपर्यंत तुमचं अतिक्रमण नियमाकुल करण्याबाबत आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, तर ते आश्वासन आतापर्यंत मागच्या मार्चपर्यंत ते खोटं ठरलं। आता 207 लोकांपैकी काही इथे घरकुल लागून आलेले आहे, घरकुल लागून आलेले आहे, त्यासाठी ते म्हणतात की बा तुमची जागा आठ हे नियमानं तुमच्या नावानं पाहिजे तरच तुम्हाला घरकुल मिळेल। आणि याच्यात साधे बोळे लोक असल्यामुळं हे राजकारणी लोक आमच्यापर्यंत कोणती योजना पोहोचू देत नाही। आमचा विषय म्हणजे असा, घरकुल बांधकामाचे पट्टे याच्यासाठी आम्ही 9 मे 2015 पासून बरेच काही उपोषणंसुद्धा केली आणि आम्ही काही वेळा निवेदनंसुद्धा सर्व शासनाला प्रशासनाला दिलेत, पण आजपर्यंत आमच्या या मागणीला कोणताच काही प्रोत्साहन न देता अजूनही प्रकरण प्रलंबित आहे। आम्ही तहसीलदाराकडे आमचा निर्णय न मिळाल्यामुळे तहसीलदार म्हणत होते की आमच्या मॅडम म्हणतील त्या पद्धतीचं काम होईल, माननीय आमदार जे सांगतील तेच मी करणार असं माननीय तहसीलदार राम लंके यांनीसुद्धा आम्हाला फिटाळून लावले। त्यानंतर आम्ही पालकमंत्र्याकडे सर्वांगीण बाबीची मागणी केली, पालकमंत्र्यांनी पट्ट्याचे वितरण करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यालासुद्धा पत्र दिले आणि घरकुलाचंसुद्धा मीटिंगमध्ये मंजुरात करून आमच्या 208 लोकांच्या घरकुलाच्या मागण्यासुद्धा सर्व मंजूर करून पंचायत समितीलासुद्धा बी डी ओकडे लेटर दिले आणि बांधकाम विभागातसुद्धा 1/5/2015 रोजी हे बांधकाम विभागात टाकले आणि आजपर्यंत आमच्या लोकाच्या गोरगरिबाच्या भोळ्या भांबळ्या जनतेच्या फसवणुका चालूच आहेत। जाणून बुजून हेतुपुरस्कर 10 वर्षापासून या जनतेच्या सेवेसाठी आणि जनतेच्या मूलभूत हक्कासाठी सर्व काही मोर्चे काढून उपोषणं करून सर्व जनतेला भोळा बांबळ्या जनतेला फसवणूक केली असं दिसून येत आहे। माझी समस्या हेच आहे की मी झोपडपट्टीसाठी विशेषतः म्हणजे बरेच वर्षापासून उपोषण मांडत आहो, बरेचसे मोर्चे मी काढलेले आहे, पण तरी हे झोपडपट्टीचा अजून झोपडपट्टी नावानं लावलेली नाही आहे। दुसरी समस्या म्हणजे आमचा जो विकास आराखडा होता हा विकास आराखडा इकडचा सर्व खाल्लेला आहे, सर्व तिकडे विकास केलेला आहे। तिसरी गोष्ट म्हणजे आमचे व्होटिंग जे गुणाचे नंबर आहेत हे नंबर बदली केलेले आहेत, दारिद्र्यरेषेचे नंबर बदली केलेले आहेत, नंबर बदली करून हे दुसऱ्याला आमचे घरकुल दुसऱ्याला दिलेले आहेत, हाही आमचा आक्षेप आहे। तिसरी समस्या म्हणजे इकडे रोड होते ते रोड आलेले रोड याने गायब केले, संडास होते आलेले संडास गायब केले, आमचे घरकुल आलेले हे गायब करून टाकले। म्हणजे आम्ही असं कितीक दिवस या ग्रामपंचायतसोबत भांडत राहावा, आमची आमचा कोणी वाली आहे किंवा नाही आहे याची आम्हाला भान राहिलेलं नाही आहे।
पाण्याचा समस्या आमच्या इकडे रोड नाही आहे, घर नावानं नाही. अजून काय? आमच्या एक नंबरचा पट्टा पाहिजे. आम्हाला 20 वर्ष झाले, आमचं काहीच संरक्षण नाही झालंय. आमचं काय करून राहिले हे ग्रामपंचायत काय करून राहिले? आमचे फक्त मतदान द्यायसाठीच येतात का? फक्त आम्हाला वोट द्या. काय साठी देऊ आम्ही वोट त्याले? आता डबल देणारे नाही. विकासार आघाड्यामध्ये हे जे पाणी आहे, हे पाणी तलावामध्ये काढलं होतं. तिकडे तलावामध्ये काढलेलं पाणी ते तलावात न घालता यांनी पाणी म्हणजे कंबरपूर छात्या एवढाला पाणी गावात जातोय. हे इकून या इथं सारे गड्डे पाडले, गुरुदेव सागर म्हणून नाव दिलं आणि त्या गुरुदेव सागरचं पूर्ण पाणी जमा होते. त्या इकून दिवाला आहे ते पाणी जमा झालं म्हणजे पूर्ण गावात छाती एवढाला पूर जाते. साऱ्या लोकांना याचा भाऊ काही त्रास आहे, आम्हालाच त्रास आहे. हे विकास आराखड्यामध्ये यांनी म्हटलं होतं का आम्ही तलावात पाणी घालतोय, तलावात न घालता डायरेक्ट पाणी गावात घातलं या लोकांनी. क्या इन नागरिकों का कोई वाली नहीं है? ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है साहब. हनुमान नगर में ना तो स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है और ना ही यहाँ शौचालय है और ना ही पक्की सड़कें. यहाँ तो ये साफ नजर आता है कि मौजूदा सरकार का जुमला स्वच्छ भारत अभियान आदर्श ग्राम की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है. क्या यही है अच्छे दिन? क्या कभी आएंगे इन 208 परिवार वालों के अच्छे दिन? क्या कोई मसीहा आएगा उनको न्याय दिलाने? ये सब फिलहाल सवालों का जखीरा बना हुआ है. यहाँ के नागरिकों ने कहा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो जिला कचहरी पर आत्मदहन करेंगे. आज हमने आपको बताया गुरुकुंज मोजरी का आधा सच. अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको पूरा सच. गुरुकुंज मोजरी से हमारी संवाददाता पुष्पा जैन की रिपोर्ट, नीलेश ठाकरे की कलम से सच का आईना. एक और जहाँ सभी नागरिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त नजर आते हैं तो दूसरी ओर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने वाले समाज सेवक, सामाजिक संस्थाएं हर त्यौहार पर किसी विद्यालय, आश्रमशाला आदि स्थानों पर जाकर त्यौहार मनाते हैं. होली के पावन पर्व पर भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख त्रिकाल अड़सल ने अपनी शादी की सालगिरह अमरावती शहर के नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में मनाई तथा अंध विद्यालय के छात्रों को मिठाई भी इस दौरान बांटी. साथ ही इस अवसर पर स्वराज प्रतिष्ठान, सात फाउंडेशन एवं वनमाल बहुद्देशीय संस्था द्वारा होली के दिन युवक युवतियों ने बच्चों को गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेली. इस मौके पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई. वाकई में यह है सही समाज सेवा, दूसरों के प्रति प्यार. वनमाला बहुद्देशीय संस्था, स्वराज्य प्रतिष्ठान आणि सात फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षी आम्ही इथे नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालयात दिव्यांग जे अंध मुले आहेत, म्हणजे परमेश्वरांनी ज्यांच्या आयुष्यात जन्मताच अंधार दिला आहे अशा मुलांच्या आयुष्यात रंगांची उधळण व्हावी या उद्देशाने आम्ही या अंध मुलांसोबत दरवर्षी होळी साजरी करत असतो. त्याचप्रमाणे यावर्षी आम्ही या मुलांसोबत होळी साजरी करतो.
अमरावती शहर के विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के आह्वान के अनुसार 1 मार्च को दोपहर 2 बजे शहर के इरविन चौक में विदर्भ राज्य आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने डिग्री जलाओ आंदोलन किया। समिति के शहर अध्यक्ष रियाज अहमद खान तथा अमोल भिसेकर ने आंदोलन से पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को हारार्पण किया। अलग विदर्भ की मांग से डिग्री जला आंदोलन की शुरुआत की गई। डिग्री की होली जलाकर युवाओं ने शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अहमद खां, अमोल भिसेकर, रंजना मामरडे, नागेश डोरलीकर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मी अमोल भिसेकर, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा युवक अध्यक्ष। आज आम्ही इथे नागपूर करारानुसार विदर्भाला, विदर्भातील युवकांना, तरुणांना 23% नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे होत्या, पण त्या तर मिळाल्या नाही। म्हणून आज आम्ही डिग्री जलाव आंदोलन चालू केलेलं आहे। या डिग्री जलाव आंदोलनामध्ये आम्हाला युवकांना डिग्रीचा काहीही वापर होत नाही, नोकऱ्या निघत नाही आहेत। आमची इक्विवॅलेंट 10वीच्या बराबरीचे आमचं हे चालू आहे, त्यामुळे इथे युवकांचं शोषण आणि फक्त शोषण होत आहे। या माध्यमातून आम्ही शासनाला हे सांगू इच्छितो की हे फक्त एक प्रतिकात्मक आहे, पण या जर लवकरच लवकरात जर यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही आणि युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, तर हे बेरोजगारीचं कारण पुढे उद्रेक निर्माण होऊन या शासनाला परत जावं लागेल। म्हणून आम्ही सरकारला विनंती करू इच्छितो की त्यांनी युवकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला। संभाग के 5 जिलों में 1 मार्च होली की रात 37,843 विशालकाय होलिका दहन किए जाएंगी। इसमें सर्वाधिक अमरावती जिले में 11,343 होलिका दहन की जाएंगी, जबकि अकोला में 77,000, यवतमाल में 8,200, बुलढाणा में 6,450 और वाशिम में 4,250 जगहों पर होलिका दहन होगा, जबकि अमरावती शहर में कुल 1135 स्थानों पर सार्वजनिक होलिका दहन किया जाएगा, ऐसी जानकारी पुलिस विभाग से दी गई है। इसके लिए शहर में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक SRPF कंपनी तैनात किए जाने के साथ ही 1850 होमगार्ड, जिसमें 450 महिला होमगार्ड का समावेश है। इसके साथ ही जिले के 5 SP, 630 पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में नज़र रखेंगे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी होली के पर्व पर अम्बा देवी मंदिर के प्रांगण में होलिका दहन किया गया। बता दें कि अम्बा देवी मंदिर के प्रांगण में 1 माह पूर्व हेटे के वृक्ष की टहनी जमीन में गाड़ी जाती है। बताया जाता है 1 माह पूर्व पिछली पूर्णिमा के रोज यह टहनी लगाने के बाद से शहरवासी अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए इस टहनी पर कपड़ा बांधने के साथ ही श्रीफल व गाठी का हार चढ़ाते हुए अम्बा देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगते हैं। संपूर्ण विदर्भ में अम्बा देवी मंदिर के प्रांगण में जलाई जाने वाली होलिका दहन का अपना ही अलग महत्व है। इस संदर्भ में अम्बा देवी मंदिर के ट्रस्टी राजेंद्र पांडे ने दी अधिक जानकारी। सर्वप्रथम मी या होलिकोत्सवाच्या अमरावतीकरांना सर्व शुभेच्छा देतो। होळीचा हा सण श्री अंबादेवी संस्थांच्या वतीने जेव्हा साजरा होतो त्याला एक वेगळा आणि अनन्यसाधारण महत्त्व यामध्ये आहे। या अनन्यसाधारण महत्त्वाचा भाग पहिला आपण विचारात घेऊया की श्री अंबादेवी संस्थांच्या वतीने जेव्हा हा होलिकोत्सव साजरा होतो तो बरोबर 1 महिना अगोदर म्हणजे मागच्या पौर्णिमेला इथे एक हेट्याचं झाड विधिवत लावलं जातं, त्याचं पूजन केलं जातं। या जागेचं पूजन केल्यानंतर हेटाचं झाड तिथं रोवलं जातं आणि हे हेटाचं झाड लावल्यानंतर लोकं मन्नत म्हणजे आपले आशीर्वाद अंबाबाईचे प्राप्त व्हावेत याकरता मागणी करतात अंबाबाईच्या चरणी की मायबाई माझी ही इच्छा पूर्ण कर, किंवा गेल्या वर्षभरात ज्यांनी ज्यांची इच्छा पूर्ण झाली असेल किंवा स्वतःच्या कपड्यामध्ये बांधून एक नारळ त्या हेटाच्या झाडाला, या महिनाभर आपण बघितलं असेल की या झाडांना सगळे नारळं लोक बांधतात आहेत, मग कोणी गाठी देतं कोणी देतं, आणि मन्नत पूर्ण करण्याची ताकद श्री अंबाबाईमध्ये आहे। अनेकांच्या भावना पूर्ण होतात आणि मग त्याची उतराई म्हणून आजच्या या होलिकोत्सवाला सगळेजण उपस्थित राहत अंबादेवी संस्थांच्या वतीनं हा होलिकोत्सव अनेक वर्षापासून अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो। अमरावती जिला शिवसेना द्वारा हर साल की तरह शिव जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाने जा रही है। आगामी 3 मार्च को शिव जयंती की पूर्व संध्या पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अभिवादन करने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी।
3 मार्च को दोपहर 3 बजे नई बस्ती बडनेरा के जयस्तंभ चौक से भव्य मोटरसाइकिल रैली शुरू होगी। इस रैली में शिवसेना सांसद आनंद अड़सुल, शिक्षण विधायक श्रीकांत देशपांडे, पूर्व विधायक संजय बंड, पूर्व विधायक प्रदीप वडनेरे, पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल, जिला प्रमुख सुनील खराटे, जिला प्रमुख राजेश वानखड़े, महानगर प्रमुख प्रशांत वानखड़े, शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, बडनेरा शहर प्रमुख राजेंद्र दारोकार समेत सभी महिला पुरुष युवा सेना के पदाधिकारी तथा शिवसैनिक मौजूद रहेंगे। इस भव्य दिव्य मोटरसाइकिल रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, सैकड़ों शिवसैनिक फेटे बांधकर भगवा ध्वज लहराकर मोटरसाइकिल रैली में सहभाग होने की जानकारी रैली के आयोजक जिला प्रमुख सुनील खराटे ने दी अधिक जानकारी। संबंध दिशा के मानबिंदु राजे छत्रपति शिवप्रभु उद्या 4 तारखेला जयंती है। जयंती निमित्त दरवर्षी शिवसेना अमरावती तर्फे एक मोठ्या प्रमाणात रैली निघत असते आणि यावर्षी आम्ही एक थोडासा वेगळा प्रयोग केलेला आहे। शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला अमरावती शहरातील वातावरण शिवमय व्हावं, एक भगवं वातावरण सगळ्या अमरावतीत दिसावं या निमित्तानं आम्ही या उद्देशानं बडनेरा येथून एक मोटरसायकल भव्य मोटरसायकल रॅली काढतोय आणि त्या रॅलीमध्ये आदरणीय खासदार अडसूळ साहेब आणि शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी व शिवसैनिक त्याचप्रमाणे सर्व शिवप्रेमी त्या ठिकाणी हजर राहणार आहेत। मोठ्या संख्येने त्या मोटरसायकल रॅलीत लोक सुद्धा सर्वसामान्य लोक सुद्धा सहभागी होणार आहेत। ज्याप्रमाणे हिंदूंसाठी दिवाळी, दसरा किंवा गुढीपाडवा असे महत्त्वाचे सण असतात, आमच्या दृष्टीने हा सुद्धा एक दिवाळीपेक्षा कमी सण नाही, त्यामुळे आम्ही मोठ्या प्रमाणात हा साजरा करत असतो आणि याच उद्देशाने आम्ही ही शिवजयंती एक नाही दोन नाही तर साधारणतः 3 दिवस मनवतो आहे। कारण गेल्या 19 तारखेला जी शिवसेनेची शिवजयंती तिथीप्रमाणे असते, 19 तारखेला ही सरकारी सुट्टीप्रमाणे असते, त्या दिवशी बऱ्याच शिवसैनिकांनी वेगवेगळ्या गावात शिवजयंती साजरी केली आणि 3 तारखेला म्हणजे 4 तारखेच्या पूर्वसंध्येला आम्ही करतोय आणि 4 तारखेला परत रॅली राहणार आहे आणि त्या उद्देशाने आम्ही सर्व अमरावतीकरांना या शुभेच्छा देतो, त्यांनी सुद्धा या रॅलीत सहभागी व्हावं। हा रॅलीचा जो रूट आहे तो बडनेरा नवी वस्ती जयस्तंभ चौक या ठिकाणावर सुरुवात होणार असून साईनगर, नवाते, राजापेठ, राजकमल, जयस्तंभ, मालवे चौक व हिरवीत चौक आणि या रॅलीमध्ये आमच्या शिवसैनिकासोबतच सर्व शिवप्रेमींनी सहभागी व्हावं यासाठी मी सर्वांना आवाहन करतो आणि आपल्या या मोठ्या उत्सवाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जयंती हर साल विविध शहरों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आगामी 4 मार्च को अमरावती शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा शिव जयंती महोत्सव 2018 का आयोजन किया जा रहा है। मनसे का यह 7वां आयोजन है। 4 मार्च को शिव जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में राम राज्य ढोल पथक, बाबुल गांव की संदल, डिंडी, डीजे, बैंजो तथा विविध तरीके की झांकियां मुख्य आकर्षण रहेगी। यह शोभा यात्रा बुधवारा अंबागेट, गांधी चौक, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, सरोज चौक, जवाहर गेट, शक्करसाज चौक, सराफा, भाजी बाजार होकर इस शोभा यात्रा का समापन बुधवारा में होगा। इस भव्य शोभा यात्रा के आयोजक सतीश बद्रे ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि इस शोभा यात्रा का उद्घाटन जिला संगठक पप्पू पाटिल के हाथों किया जाएगा। प्रेस वार्ता में राम पाटिल, नीलेश कदम, बच्चू रेड़े, बबलू आठोले, सतीश बद्रे, संजय गवाड़े समेत मनसे कार्यकर्ता मौजूद थे। अमरावती शहर तर्फे भव्य शिव जयंती चे आयोजन करण्यात आलेले आहे। येत्या 4 मार्च 2018 रोजी सायंकाळी 1:05 या रॅलीचे भव्य आयोजन करण्यात आलेले आहे। या रॅलीमध्ये विशेष आकर्षण म्हणून रामराज्य ढोल पथक, बाबुळगाव येथील सुप्रसिद्ध संदल, जालना येथील संदल, परत पुन्हा घोडे, उंट, दिंडी आणि विविध प्रकारचे झाक्या राहणार असून या रॅलीची सुरुवात सायंकाळी 1:05 होईल आणि मी तमाम अमरावतीकर नागरिकांना विनंती करतो की आपण सुद्धा या रॅलीमध्ये सहभागी होऊन उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन या रॅलीची शोभा वाढवावी अशी मी आपणास विनंती करतो। धन्यवाद। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में विविध स्थलों पर हुआ होली दहन, धूलिवंदन का काउंटडाउन हुआ शुरू।
हुड़दंगबाज रहे सावधान, पुलिस आयुक्त रहेंगे ऑन रोड। धूलिवंदन पर शहर के चौराहे पर रहेगा पुलिस का पुख्ता इंतजाम। संभाग में 1,00,000 छात्रों ने दिए 10वीं के इम्तिहान। 25,00,000 की धोखाधड़ी मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रहलाद सुंदरकर फरार। फ्रेजरपुरा पुलिस कर रही है सरगर्मी से आरोपी की तलाश। और VCN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए गुरुकुंज मोजरी के हनुमान नगर का आधा सच, नागरिक गुजार रहे बेबसी की जिंदगी। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई तरह ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।